रशिया का नाम लेते ही दिमाग में इस आदमी का चेहरा आ जाता है, या फिर मिलिट्री डील्स और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की बात याद आती है। लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि भारत के लिए रशिया के लोगों में बेहद प्यार है। ये प्यार इतना ज़्यादा है कि एक बार को तो इन्होंने गोवा को ही हाईजैक कर लिया। इस नेगेटिविटी के माहौल में जब हर तरफ अपने देश की नाकामी और नेग्लिजेंस की चर्चा हो रही है, तो ये हमारी एक छोटी सी कोशिश कुछ पॉजिटिविटी फैलाने की। आप देख रहे हैं हीलम ट्रिप, और ऐसी और भी पॉजिटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे रीजंस की जिसकी वजह से रशियंस हमारे फैन हैं। अब इसमें सबसे पहले नंबर आता है योगा का। अब 21 जून को पूरे विश्व में योगा मनाया जाता है, लेकिन रशिया में भी 21 जून बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। People love practicing it and are very much interested. इस दिन कोई सरकारी हॉलिडे नहीं होती वहाँ पे, लेकिन इस दिन सिर्फ योगा भी नहीं मनाया जाता, बल्कि वहाँ पे डांस, कंसर्ट्स और इंडियन फूड का मेला भी लगाया जाता है। और इस मेले में रशिया के हर वर्ग के लोग हिस्सा लेते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। 1980 से ही योगा रशिया में लोकप्रिय होने लगा था, और अब ऐसा हाल है कि रशिया के हर एक जिम में आपको योगा जरूर देखने को मिलेगा। अब इसके बाद नंबर आता है इंडियन कल्चर का। अब योगा के बाद रशियंस को भाग गया आयुर्वेद, शाकाहार और हिंदुइज्म। रशिया, पर्टिकुलरली मॉस्को में लोग होली बड़े ही चाव से खेलते हैं, भले उन्हें उसे खेलने के पीछे का रीजन ना पता हो, लेकिन वो उसे बड़े धूमधाम से खेलते हैं और एक दूसरे को रंग लगाते हैं। होली के त्यौहार में इस्तेमाल होने वाले वाइब्रेंट कलर्स और म्यूजिक यहाँ पे लोगों को खींच ले आते हैं। अब हम इंडियन कल्चर की बात करें, और उसमें हरे कृष्णा सेक्ट का नाम ना आए ऐसा कैसे हो सकता है। हरे कृष्णा सेक्ट को इस्कॉन नाम से भी जाना जाता है। इनकी पॉपुलेशन रशिया में केवल 0.1% है, लेकिन फिर भी इन्होंने इतने अच्छे से इसका प्रचार प्रसार किया कि वहाँ की जो ऑर्थोडॉक्स कैथोलिक सोसाइटी है उसे इसका विरोध करना पड़ गया। और उनका विरोध खुल के सामने तब आया जब रशिया में पहला श्री कृष्ण टेम्पल बनने लगा। अब बात कर लेते हैं गोवा में रशियन कब्जे के बारे में। अब आप में से कई बोलेंगे कि गोवा पे तो पुर्तगाल का कब्जा था, रशिया कहाँ से आ गया? जी हाँ, मैं वैसे कब्जे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टूरिज्म में कब्जे के बारे में। अब जैसे भारत में ट्रेंड है कि गोवा जाना है, वैसे रशिया में भी उतना ही ट्रेंड है गोवा का। और ये ट्रेंड इतना ज़्यादा है वहाँ कि 2018 में 56% टूरिस्ट गोवा में रशिया से थे। इसीलिए आपको गोवा में हर जगह रशियन साइन बोर्ड्स देखने को मिल जाएंगे, और तो और आपको राह चलते रशियन लैंग्वेज भी पक्का ही सुनाई दे जाएगी। अब बात कर लेते हैं रशिया के बॉलीवुड ऑब्सेशन के बारे में। बॉलीवुड में हिंदी फिल्में बनती हैं जो कि इंडिया में बहुत ही लोकप्रिय हैं, लेकिन इसका क्रेज रशिया में इतना ज्यादा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। 1950 से ही रशिया में बॉलीवुड का क्रेज रहा है। वहाँ के लोगों को इंडियन डांस, एक्टिंग और ड्रामा बेहद पसंद आता है। डिस्को डांसर और वेगाबॉन्ड तो वहाँ के सबसे लोकप्रिय फिल्मों में से एक हैं, और इस गाने ने तो वहाँ धमाल ही मचा के रख दिया, और मिथुन दा को तो रशिया में सुपरस्टार बना दिया इस गाने ने। वहाँ पे राज कपूर, नरगिस, आमिर खान और शाहरुख खान सबसे फेमस एक्टर्स में से एक हैं। रशियन कल्चर और इंडियन कल्चर बिल्कुल ही अलग हैं, लेकिन फिर भी इंडियन कल्चर ने रशियंस के ऊपर एक अलग ही छाप छोड़ दी है। कई बार जो चीज़ हमें विरासत में मिलती है हम उसकी अहमियत नहीं समझते। आप देख रहे थे हीलम ट्रिप, और ऐसी और भी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।